कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में हम बात करने वाले हैं दलहन बाजार के बारे में, जानेंगे क्या कीमतें देखी जा रही हैं दलहन बाजार में। आज चने, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर दालों में क्या कारोबार चल रहा है। सबसे पहले चने के बाजार से शुरुआत करते हैं। आवक बनने पर मार्केट में चने के दाम में दबाव देखा जा रहा है। कीमतें लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बाजारों में देखी गई। बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। मौजूदा भाव दाल मिलों की ज़रूरत के हिसाब से मार्केट में खरीदारी कर रही हैं। राजस्थान में नए चने की आवक होली के बाद और भी बढ़ सकती है। चालू सीजन में चने का उत्पादन अनुमान कम है, लेकिन एक बार फिर आवकों में दबाव बनने से कीमतों में मंदा देखा जा सकता है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए, 140 रुपये कमज़ोर होकर दाम 6100 से 6125 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास दिल्ली में राजस्थान लाइन के चने के रह गए हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के चने के दाम 165 रुपये तक घट गए। 6000 से लेकर 6075 रुपये के प्रति क्विंटल के बीच मार्केट में इसमें कारोबार देखा गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अनुमान नज़र नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार ने चने पर MSP 5440 रुपये प्रति क्विंटल पर तय किया गया है और खपत का सीज़न होने के कारण डिमांड बनी रहने का अनुमान है। होली वगैरह के त्यौहार भी नज़दीक हैं, तो डिमांड को देखते हुए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तेज़ी तो नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन एक तरफा तेज़ी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अरहर दाल के बारे में बात करते हैं। तेज़ी के साथ यहाँ पर भी व्यापार नहीं देखा जा रहा है। ग्राहक की कमज़ोर बनी रहने की वजह से घरेलू मार्केट में आयातित अरहर के जो दाम हैं वो मार्केट में वो कम आपको नज़र आए। कम गिरावट कीमतों में गिरावट देखी गई। व्यापारी मान रहे हैं कि बड़े दाम पर दाल मिलों की मांग समर्थन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कीमतों में समीक्षा कर रही है, कीमतों बढ़ती कीमतों पर नज़र रख रही है। इस दौरान अगर रेट के बारे में बात करते हैं तो सोलापुर में कमज़ोर अरहर की कीमतें देखी गई हैं, जबकि इंदौर, कानपुर और कटनी में दाम इसके स्थिर बने रहे। मुंबई में लेमन अरहर के दाम शाम के सत्र में 50 रुपये घट गए। 10,200 रुपये प्रति क्विंटल का रेट यहाँ पर देखा गया। मुंबई में अफ्रीकी देशों से आयातित अरहर की कीमतों में कमजोरी के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया। मार्केट में बड़ी तेज़ी आपको इसमें मान कर व्यापार नहीं करना चाहिए। प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक में अरहर के उत्पादन अनुमान में कमी आने की आशंकाएं नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मूंग और मसूर, इन दोनों दालों में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है, बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है। दिल्ली में देसी मसूर के दाम कमज़ोर हुए, जबकि आयातित के दाम स्थिर बने रहे। व्यापारी मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मंडियों में नई मसूर की आवक बढ़ने से कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। उत्पादक मंडियों में मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में भी मौसम इस वक्त साफ है। मसूर के दाम में 75 रुपये तक की कमजोरी आई। 6000 से लेकर 6025 रुपये प्रति क्विंटल के दाम यहाँ पर रह गए। और इसके अलावा अगर मूंग दाल के बारे में बात करते हैं तो मूंग की कीमतें तीसरे दिन स्थिर बनी रही। व्यापारी मान रहे हैं कि सीजन अच्छा होने की वजह से डिमांड में लगातार मूंग दाल बनी रहेगी। साथ ही चालू रबी में इसकी बुआई पिछले साल की तुलना में घटती हुई नजर आई है। नेफेड भी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी लगातार मूंग की बिकवाली कर रही है। और इस दौरान अगर देखा जाए तो मूंग के बिल्टी के दाम जयपुर मंडी में 7800 से लेकर 8000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच मार्केट में दर्ज किए गए। इंदौर में मीडियम मूंग के दाम 7500 से लेकर 8000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच मार्केट में स्थिर बने रहे। उड़द दाल में बाजारों में स्टॉक हल्का रखने का आपको मौका मिल सकता है। खबरों के मुताबिक दाल मिलों की ग्राहक की कमजोर बनी रहने से दलहन की कीमतों पर दबाव मार्केट में देखा जा रहा है। चेन्नई में उड़द की कीमतें लगातार तीसरे दिन डॉलर में कमजोर होने की वजह से खाद्य मिलों में खरीद भी कमजोर काफी हद तक देखी गई है। व्यापारी मान रहे हैं कि सरकार की सख्ती का असर दलहन की कीमतों पर देखा जा रहा है। उड़द दाल में दक्षिण भारत की मांग सामान्य की तुलना में इस वक्त कमजोर ही नजर आ रही है। बड़ी तेजी आने के आसार मार्केट में कम है। दाल मिलें उड़द में जरूरत के हिसाब से बाजारों में खरीदारी कर रही है। व्यापारियों के अनुसार केंद्र सरकार भी लगातार सख्ती बरत रही है, कीमतों पर नज़र रखी जा रही है और सामान की तुलना में जो दक्षिण भारत है वहां पर उड़द दाल की जो डिमांड है वो फिलहाल के लिए कम है। अब बात करते हैं इसके रेट के बारे में। तो SQ उड़द के दाम दिल्ली में 50 रुपये तक कमज़ोर हुए। 9900 रुपये प्रति क्विंटल का दाम रह गया। इस दौरान FQ के दाम 8900 रुपये प्रति क्विंटल देखे गए। इस दौरान अगर देखा जाए तो पूरी तरह से दलहन बाजार में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। रेट स्टेबल आपको देखने को मिल सकता है। ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी दलहन बाजार में ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।